हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। मेरे साथ खड़ी हुई है पैशन प्लस, और पैशन प्लस जो है देख सकते हैं यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। और पैशन एक ऐसी बाइक है जैसे स्प्लेंडर ने अपना दबदबा बनाकर रखा है इंडियन मार्केट में, उसमें से पैशन भी एक ऐसी बाइक निकल के आती है जो अच्छी लगती है। मतलब ये चाहे यंगस्टर ले ले, चाहे अंकल जी ले ले, सब पे ही सूट करती है। और सही बताऊँ तो इंजन भले इसका 97.2 CC का हो, बट दिखने में जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है ना, ये काफ़ी सही लगती है। मतलब 125 CC को टक्कर देती है दिखने के मामले में, चलने में भी काफ़ी रिलायबल है, अच्छी गाड़ी है। आज हम इस बाइक का करने वाले रिव्यू के फ्रंट से रियर तक में 2024 में कुछ इसमें अपडेट भी हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे तो ये अपडेट होके आई है, क्योंकि इसका जो लुक है ये देखो पुरानी जनरेशन वाले रहने वाला है। बीच में पैशन प्रो एक्स टाइप कॉन्गो दी आ गई थी, बट ये वो मॉडल है जो पहले आया करता था, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको करते हैं रिव्यू। आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। ये है हीरो की पैशन प्लस जो कुछ टाइम पहले ही अपडेट होके आई है। इसके अंदर अपडेट की बात करूँ तो क्या क्या हुआ है मैं आपको बताते चलूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं व्हील्स की। तो फ्रंट एंड रियर व्हील जो है वो मिलते हैं 18 इंच के देख सकते हैं आप, और साथ में आपको मिलते हैं देखने के लिए ट्यूबलेस टायर जो कि MRF के रहने वाले हैं। साइज की बात करूँ तो 8018 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, जो आपकी स्प्लेंडर में या डीलर्स में डाला गया सेम वही। अगर पीछे की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे जो है आपको अगेन ट्यूबलेस टायर मिलता है। साइज़ की अगर बात करी जाए तो मैं साइज भी आपको देख के बता देता हूँ, तो 8018 सेक्शन का, यानी कि फ्रंट एंड रियर में सेम साइज़ जो है शेयर कर रही है कंपनी इस बाइक के अंदर टायर की। अगर बात करी जाए यहाँ पर सस्पेंशन की, तो टेलीस्पोक सस्पेंशन मिल जाता है देखने के लिए, जो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। ये सस्पेंशन वो हैं जो आपकी स्प्लेंडर में, HF डीलक्स में, सब में यूज़ करती है कंपनी। बट थोड़ा सा जो शॉकर की लैग होती है उसके कलर में ना फ़र्क होता है। जैसे वहाँ पे डीलक्स खड़ी उसका पूरा जो है ग्लॉसी ब्लैक रहने वाला है, बट यहाँ पे क्या है व्हील आपका ग्रे है, तो सेम वही ग्रे का टच यहाँ देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं काफ़ी लंबे वाले, जो अच्छे अच्छे देखने में जो बात है। एंड अगर बात करें यहाँ पर, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का जो है फेंडर लगाया गया, जो कि काफ़ी ठोस है। ये लगा लो फ्लेक्सीबल भी बहुत कम है, लेकिन ठोस ज़्यादा है, तो कुल मिला के अच्छी क्वालिटी। अगर बात करें यहाँ वाइजर की, तो वाइजर देख सकते हैं आप पुरानी वाली जनरेशन का लगाया गया है। देख सकते हैं क्लियर हेडलैम्प रहने वाला है, क्लियर ग्लास वाला हेडलैम्प रहने वाला है, हेलोजन सेटअप के साथ में पायलट लैम्प भी देखने को मिलता है इसके अंदर। यहाँ पे जो टर्न इंडिकेटर्स हैं, इसकी जो शीशा है ये वाला, ये जो ग्लास है ये काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है देखने में, जो इसकी डिजाइनिंग है काफ़ी अच्छी है हेलोजन, बट कहीं ना कहीं जब ये इंडिकेटर जब चालू होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो देख सकते हैं यहाँ पे देखो कुछ ऐसा लगेगा जैसे LED वाला फील, ठीक है जी। तो वो कुछ यहाँ पे देने की कोशिश करी गई है। एंड यहाँ पे वाइजर के ऊपर जो है ना काफ़ी अच्छी ग्राफिक किट लगाई गई है, वाइट ग्रे रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन दिया है ये काफ़ी लुक को एनहेंस कर रहा है वाइजर के। तो ग्राफिक किट की बात करूँ तो ये इसके अंदर बिल्कुल न्यूली जो है फ्रेश डाली गई है, मतलब बिल्कुल न्यू डिज़ाइन वाली ग्राफिक किट इसमें लगा कर दे रही है हीरो कंपनी, जो काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना बहुत जो है ना डार्क स्मोक वाला ट्रांसपेरेंट आपको विंडशील्ड देखने को मिलती है जो वाइजर है इसका। एंड यहाँ पे जो है हीरो का 3D एम्ब्लम देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अगर बात करें इस तरफ से बाइक जो है कुछ ऐसी दिखाई देती है, देख सकते हैं आप इसके जो साइड वाले मिरर्स हैं, यानी कि लुकिंग ग्लास, इनकी लेग जो है ये काफ़ी छोटी सी दे रखी है, मतलब बड़ी बड़ी नहीं दी है, बहुत छोटी सी है, और काफ़ी जो है ना प्रीमियम सा फील करा रही है ये, और काफ़ी प्रीमियम सा जो है ना यहाँ पे हम आपको जो है मिरर से देख सकते हैं देखने को मिल जाता है। मतलब वैसे बेसिक से नहीं मिलते, थोड़े अच्छे से मिल जाते हैं यहाँ पे, मतलब जैसी मोटी मोटी सी बाइक रहने वाली है, सेम इसके जो मिरर्स हैं ये भी काफ़ी शेप में मोटे मोटे दिखाई देते हैं। अगर बात करें यहाँ पे ग्रिप की, तो ग्रिप भी काफ़ी अच्छी लगा दे रही है जो बात है, और ये लगा लो बिल्कुल भी मेरे हाथ स्लिप नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, और क्लच जो है काफ़ी सॉफ्ट रहने वाला है। इसके अंदर हमें पासिंग की जो है फैसिलिटी मिल जाती है, देख सकते हैं वहाँ पर डीपर में दे रहा हूँ, तो ये देखो, तो बेसिकली इसमें डीपर मिल जाता है, बट यहाँ पर लाइट कंट्रोल करने के लिए ऐसा कोई बटन दिखाई देता नहीं है। यहाँ पर आपको हाई लो के लिए बटन मिल जाता है, ठीक है जी, ये टर्न इंडिकेटर्स के लिए हो गया, और बहुत ही पतला सा कमज़ोर सा जो है यहाँ पे एक हॉर्न मिल जाता है देखने के लिए। वाइल्ड राइडिंग जो है ना आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देता है। चाबी की अगर बात करूँ तो चाबियाँ कुछ ऐसी रहने वाली हैं, बेसिक सी देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर जो है हीरो की इंग्रेविंग होती है लोगों के साथ। चाबियों का मैं लगाता हूँ तो मीटर हमारा सेमी डिजिटल रहने वाला है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है जो एनालॉग में रहने वाला है। यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है छोटी सी, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है आपको बताऊंगा, उससे पहले नोटिफिकेशन जान लेते हैं। यहाँ न्यूट्रल का मिलता है, इंडिकेटर्स का मिलता है, हाई बीम मिलता है, और आपका जो है साइड स्टैंड का यहाँ आ जाता है, मेल फंक्शन यहाँ आ जाता है, ठीक है जी। एंड यहाँ पे आपको I3S का बटन मिल जाता है, यहाँ से I3S आप ऑन ऑफ कर सकते हो, देखो ये ऑफ है ये ऑन हो गया, ठीक है जी, तो ये कर सकते हो आप। मीटर टॉगल करने के लिए बटन यहाँ पे दे रखा है, ट्रिप 2 जो है इसके अंदर है नहीं, ओके, तो यहाँ पे ओडो और यहाँ पे बस, ओके, ऊपर ट्रिप मिल जाती है आपको सिंगल, नीचे ऑडो मिलता है, दैट्स इट। इसके अंदर और कुछ नहीं है, इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती आपको, इसके अंदर कुछ नहीं मिलता वैसा,
रियल टाइम माइलेज वाला फीचर वैसे कुछ नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे आपको डेडिकेटेड यूएसबी जो है पोर्ट मिल जाता है, देख सकते हैं आप, ठीक है जी। और अगर बात करें इधर तो आपको जो है सिंगल जो है सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाता है, बाइक में पेट्रोल नहीं, दैट्स व्हाई बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। एंड यहाँ पे जो है ब्रेक लीवर मिल जाता है, ठीक है जी। इधर देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी काफ़ी सही है भाई, क्वालिटी मतलब इसमें जो जो चादर यूज़ कर रही है, जो बेसिकली जो पार्ट है मेटल का, जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो इसमें जो है ना 11 लीटर जो है आपका फ्यूल आने वाला है, मतलब 11 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी का ये बाइक आती है। इसका भी लिड जो है सेम एच एफ डीलक्स वाला ही रहने वाला है, मतलब थोड़ा सा साइज में डिफरेंस हो सकता है बट जो है दिखने में सेम सेम वैसे रहने वाला है। एंड अगर इधर इधर चलें तो यहाँ पे साइड का पैनल देखो कितना खूबसूरत रहने वाला है यार, ये देख सकते हैं, मतलब कि फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। मतलब हर एक चीज़ देखो आप, ग्लॉसी फिनिश में पेंट मिल जाएगा काफ़ी बढ़िया ग्रे कलर का, मतलब ब्लैक और ग्रे का टच दिया हुआ है, साथ में जो है ना वाइट एंड रेड की जो है यहाँ पे ग्राफिक किट लगाई जो काफ़ी अच्छी है। यूटिलिटी बॉक्स देखो काफ़ी प्रीमियम सा रहने वाला है, क्रोम की गार्निश उस पर मिल जाती है देखने के लिए। प्रोग्राम FIA बाइक रहने वाली है, E20 कंप्लाइंट ये बाइक है। एंड यहाँ पे किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट दोनों देखने को मिल जाता है हमारे को। बात करें इसकी पावर आउटपुट की, अगर बात करें पावर डिलीवरी की तो ये लगा लो 97.2 cc का इंजन रहने वाला है। अगर बात करें मैक्स पावर की तो ये पावर प्रोड्यूस वही करती है जो अपनी एच एफ डीलक्स करती है, 8.02 PS। और टॉर्क जो इसका 8.05 Nm का जो इसका टॉर्क निकल कर आता है, मतलब कि लगा लो पावर टू वेट रेशियो इसका भी ठीक ठीक रहेगा। आई होप गाइस आपको ये बाइक अच्छी लगी होगी, बाइक के फीचर्स अच्छे लगे होंगे। क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी, इसी ग्राफिक किट या इसका डिज़ाइन, या आप इस बात को लेकर खुश हो कि भाई आज भी पैशन प्लस जो है मार्केट में अवेलेबल है? तो इस बाइक का जो है ना प्राइस रहने वाला है तो 80,000 से भी कम की रहने वाली है इसकी एक शोरूम प्राइस। तो ये लगा लो मेरे को तो काफ़ी सही लगी, मतलब ऑफिस यूज़ के लिए, फैमिली के लिए काफ़ी खूबसूरत बाइक रहने वाली है। मतलब ये लगा लो माइलेज भी आपको आराम से 60 वाट की मिल जाती है, और बहुत ही कम पैसों में सर्विस भी हो जाती है, काफ़ी चीप तरीके से आप इसको मेंटेन भी कर सकते हो। तो आपके लिए ना वैल्यू फॉर मनी बाइक रहने वाली है, मेरी तरफ से तो रिकमेंड है आप ये ले सकते हो हीरो की बाइक पैशन प्लस। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ट, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।